आ रहे थे और मैं जा रहे हैं दुकान, है ना ना दू हम दुकान ही yeah. दादी बाय बाय। और यहाँ पे ना जंगोरो बड़ा बड़ा सा वो दिखी तो मजा है दुकान दुकान में तो चल दुकान बंद है तो आगे जाना पड़ेगा हमें, है ना। तो दोस्तों वैसे तो नहीं आती थी मैं, मतलब दुकान आ रहे थे के साथ, लेकिन मेरा मेन रीजन वीडियो पे है। तो देखे आज स्कूल जाने लग गई, आज टाटा देखना पड़ता है सड़क के नीचे और बच्चों के साथ वीडियो अपलोड करना जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। मम्मा टाइम मिलाएंगे और पूरे में मिलाऊंगी मैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता बग्या, स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 8:30 बजे से और मैं अभी करीब पर हूँ, मतलब आज का ब्लॉग हमारा घर ही का रहने वाला है। तो हो सकता है बीच में हम कहीं जा सकते हैं आराध्या और में, तो पहले हम काम कर लेते हैं फटाफट से क्योंकि मैंने करनी है चौक की लिपाई, मतलब आंगन की लिपाई, तो लिपाई करनी है और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग ये जाओ है और जो कि हमारे काफ़ी दिनों से है और अभी हमने उसकी कुटाई नहीं की है क्योंकि मौसम के बारिश के कारण, तो बारिश के कारण नहीं की कर पाए हम उसकी कुटाई। तो आ देखते हैं आज, ऐसे धूप भी तेज नहीं लगी है लेकिन हल्की फुल्की धूप है तो देखते हैं। देखो मेरा आ रहा था चुपके चुपके से आ रही थी ऊपर सुगा रखे लक्ष्मी ननंद ने देख लिया, आ रहा देखो चुपके चुपके आ रही थी ऊपर और जब मैं बुलाती हूँ तब तो आती नहीं है और चुपके चुपके आने वाली आदत पड़ गई इसे, है ना दो हाय कर हाय। चलो दोस्तों बिना देरी के काम शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा काम है चौक की लिपाई करना। तो देखते हैं कि धूप होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो लिपाई तो करनी पड़ेगी और बाद में देखेंगे कुटाई होती है कि नहीं, और बारिश होगी तो मेरी मेहनत पूरी चौपट हो जाएगी, लेकिन क्या करें करना तो पड़ेगा जो मेरे को करना है काम। तो चलो करती हूँ मैं और मिलती हूँ आपको लिपाई करने के बाद, क्योंकि वैसे तो मैं आप लोगों को दिखा दी थी लिपाई करना लेकिन मैं मेरा फोन चार्ज नहीं है क्योंकि कल रात में लाइट नहीं है, तो अभी बड़ी मुश्किल से लाइट है डिम है। तो चलो मैं फोन चार्ज लगाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को किसके बाद क्योंकि लिपाई करने के बाद। तो दोस्तों टाइम भी अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं और आ रहे थे और मैं जा रही हैं दुकान, है ना ना दू हम दुकान ही yeah. दादी बाय बाय। ओय तारा दी की दादी बोल रही कहाँ जा रही है बोला, तो हम बोल रहे दुकान जा रहे हैं हम, तो चलते हैं हम दुकान की ओर और आराधु को चीज़ें लेके आते हैं और आराधे ने ना हाथ में हजमोला भी किया है ना आदू आदू इधर देख आदू गाड़ी देख रही आदू गाड़ी जा रही है ऊपर तो दोस्तों देखे जंगोरो की खेती और यहाँ पे ना जंगोरो बड़ा बड़ा सा हो गया है, गोड़ने लायक हो गए। अब खेतों का काम भी शुरू होता है गोड़ने वाला। हमने तो अभी गेहूं की कटाई नहीं की है तो मेरा आदू ना आजकल दुकान 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 अरे दिखी तो मजा है दुकान दुकान में, तो चलते हैं दुकान की ओर और आदू के लिए चीजें लेके आते हैं चीजा। आज पापा का गाड़ी कहाँ आ जाए पापा गाड़ी फेरे पैसा दिन पापा धोए पैसे भी दिन पापा धोए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मामा की दुकान तक और लेकिन यहाँ पर दुकान बंद है तो आगे जाना पड़ेगा हमें, है ना दू। तो दोस्तों वैसे तो नहीं आती थी मैं, मतलब दुकान आ रहे के साथ, लेकिन मेरा मेन रीज़न वीडियो का है क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो इसलिए मेरे को आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर वीडियो मतलब नेट चल जाता है तो वीडियो अपलोड हो जाती है, है ना आराध्या। तो देखो इस पर ये बल आराध्या का फोन है, अरे तो फोन मम्मा के पास थे फोन, थैंक यू। ठीक है आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं दुकान पर और यहाँ पर दुकान खुला है तो स्कूली बच्चे देखो दुकान में आ रखे हैं, अभी इंटरवल हुआ है अभी। तो देखे आदू स्कूल जाने लग गई, आदू टाटा तो देखो स्कूली बच्चे आ रखे थे यहाँ पर, आजा
तो आज देखो वहां तक चली गई। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बैठना पड़ता है सड़क के नीचे, और ये फोन फिर से लिया है मैंने वाईफाई, तो कसम यहाँ पर चलता है थोड़ी बहुत नेट, तो यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आराध्या के साथ। और बच्चों के साथ वीडियो अपलोड करना जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, देखो लगी है इधर उधर, तो बहुत सारे गलत कमेंट भी करते हैं, काम वगैरह नहीं है। तो आप लोगों के लिए मतलब हम नए नए वीडियो लेके आते हैं, और इतनी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। हाँ आराध्या बोली तानी चॉकलेट चाहिए उसे। तो दोस्तों हम भी निकल गए हैं, आधा एक घंटा बैठने के बाद निकल गए हम घर को, और आराध्या के लिए तो हमने चीज़ें भी ला दिया है, क्योंकि चीज़ें हमने ज़्यादा नहीं लाए हैं। बस क्या लेके आए आराध्या हम, क्रीम रोल और बंद का पैकेट लेके आई। तो चलते हैं हम घर को, क्योंकि अभी हमने खाना पीना कुछ नहीं बनाया है मैंने, तो अभी मैंने खाना भी बनाना है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको घर जाके, क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है ना, अब पास ही में है। और अभी ना आराध्या का पापा का कॉल भी आया थोड़ा, और इसलिए भी हमें थोड़ा लेट हो गई और वीडियो भी अपलोड हो गई। तो आज आ जाएगी आप लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो देखे दोस्तों आराध्या निकालने लग गई अपनी चीज़ें, और पहुंच गए हम घर, और अब थोड़ा खाना पीना बनाती हूँ मैं, क्योंकि खाने में मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, गरिया भात बनाऊँगी और उसका मंजोली भात बनाऊँगी। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि मंजोली भात कैसे बनाते हैं। पहले मैं हाल भात बना लेती हूँ और उसके बाद मंजोली बनाएंगे, तो क्या क्या पता है आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। आजा आजा सेम देखो आराध्या ना सेम को बुला रही, आ जा सैम ना पार्क है, देख सकते हैं आप ये आ रहा है और आ रहा वापस सासी। तो आ रहा थे सेम सेम लगी है उसने ना, उसके लिए रोटी लाई है टोकरी से, खुद के लिए तो निकालती नहीं है, उसके लिए लेके आई है रोटी, देख सकते हैं आप लोग। आ रहा थे ना टुकड़े करके दे रही है सेम को, लेकिन सेम आ नहीं रहा, आज नहीं आ रहा सेम, नहीं आ रहा सेम, नहीं नहीं आ रहा सेम। मेरा आदू के गले में दर्द होने लग गया है, लेकिन सेम नहीं आएगा। देखो नीचे भी रख दी उसने रोटी, लेकिन नहीं आई। आओ आजा आजा सेम आजा। तो देखो सेम आ गया है, बुला दिया आराध्या ने सेम, और सेम आ गया है। दे अब आदू सेम को रोटी, दे दे रोटी, वहां पर रखी है ना उसने रोटी उसके लिए, तो नहीं खा रहा सही से, भूख नहीं है उसको। तो देखे दोस्तों ये निकाला गया है मैंने मान, जो कि घर के चावल के हैं, और ये गाढ़ा है देख सकते हैं आप, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है लेकिन ठीक ही ठाक है। तो अब मैं इसमें मट्ठा मिलाऊंगी यानी छाछ मिलाऊंगी, और उसके बाद नमक। तो ये है हमारी पहाड़ी मट्ठा यानी छाछ, तो हमने कल ही रात बनाई है मट्ठा, तो इसमें हम मट्ठा मिलाएंगे और पूरे में मिलाऊंगी मैं, क्योंकि हम चार पांच खाने वाले हैं, तो इसलिए मट्ठा में ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि अच्छी हो रही मट्ठा। जो कि यह पिसा हुआ नमक, हल्की मिर्च डाली है मैंने इसमें, मतलब मिर्च डाली है मैंने इसमें, और नमक है, और थोड़ा सा हल्दी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ धनिया नहीं था आज, तो नमक बेकार है। तो देखते हैं खा के कैसा होता है। तो देखिए बन के रेडी हमारी मंजोली, ये हमारा भात, क्योंकि चावल आज बहुत ही ज़्यादा लग गए हैं। तो देवर जी खा रही हैं, आराध्या खा रही है, और मैं खा रही हूँ, क्योंकि और लोग हैं नहीं यहाँ पर, तो दादी जी को हमने दे दिया। तो दोस्तों खा लिया हमने खाना पीना, और मैं सर ऊपर आ गई हूँ, मैं लेटी हूँ, और इन दोनों को देखो ये गाने सुन रहे हैं लैपटॉप पे, जो कि आराधू ना आवाज़ में आ रही थी चाचा चाचा गाना गाना, तो ये सोचते चाचा आए हैं गाना चला रहे हैं। आज आराध्या आदो क्या सुनी, क्या तो सुनी